हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस की इंग्लिश के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2022 की भर्ती का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था मई 2023 में और ये 2 मई से शुरू हुआ था। तो 2 मई का और 3 मई का हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4 मई का पेपर। 20 जून तक ये पेपर हुआ था, बीच में थोड़े दिन का गैप हो गया था, ठीक है। तो 4 मई का आज पहला शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 9 से 10:30 के बीच में सुबह हुआ था पेपर। और आज का ये डिस्कशन नंबर 6 नहीं है बेटा, ये 7 नंबर है, ठीक है। वो जब हम बना रहे थे तो हम गलती से इसको ठीक करना भूल गए थे, ठीक है। तो मतलब 2 तारीख को 3 पेपर हुए थे और 3 तारीख को 3 पेपर हुए थे, तो 6 पेपर तो ऑलरेडी 2 और 3 तारीख का हो गया। 4 तारीख वाला पेपर 7वां पेपर होगा, तो ये 6ठा पेपर नहीं है, 7वां हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जो गलत हुए हैं उसका कारण क्या था, तो आप उसका क्लेरिफिकेशन भी ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चलिए अपना डिस्कशन। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, फिलर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम। मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम का मतलब होता है कि फ़ोन ऑन पे होता है, आप एक मैसेज को चाहे तो आप 100-200 लोगों को भेज सकते हैं, तो वो होता है मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम। उसके बाद लिखा है कि सिस्टम्स, लिखिए ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है सिस्टम्स मेक इट इजियर टू कीप इन टच, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर आप मैसेज भेज सकते हैं तो ये उनसे डैश में बने रहने को आसान बना देता है। तो क्या होगा, जब आप किसी को मैसेज भेजेंगे तो आप उसे टच में बने रहते हैं ना, तो इससे आसान हो जाता है क्या, तो टू कीप इन टच, टू कीप इन रोल नहीं, टू कीप इन टच मतलब आदमी संपर्क में बना रहता है। कीप इन डायरी और कीप इन सीक्रेट नहीं होता, कीप सीक्रेट होता है राज बनाए रखने के लिए, रहस्य बनाए रखने के लिए, किसी का भेद ना खोलने के लिए कीप सीक्रेट होता है, लेकिन कीप इन सीक्रेट नहीं होता, कीप इन टच होता है जब हम किसी से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं तो, ठीक है। और जिसको मैसेज भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, उसे टच में बने रहना चाहते हैं, तो ये टच होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसके लिए 1 वर्ड ले आओ। तो बियरिंग नो नेम, बियरिंग नो नेम मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर नाम ना लिखा हो। जैसे आपके पास एक चिट्ठी आती है उस पर भेजने वाले का नाम ना हो, आपके पास एक मैसेज आता है जिस पर भेजने वाले का नाम ना हो और आपकी कॉल जो मतलब आपके पास कॉल डिटेल होती है या आपकी जो कॉलर लिस्ट होती है उसमें उनका नाम भी नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि किसका मैसेज है, तो वो भी क्या होगा। और किताब आपने कोई लिखी उस पर राइटर का नाम ना हो तो इसको क्या कहते हैं, एनोनिमस, क्या होता है एनोनिमस, ये होता है जिस पर नाम ना हो, जिसे कह सकते हो बेनाम या गुमनाम, ऐसे कह सकते हो ना, जिसका जिस पर कोई नाम ना हो, बेनाम, बेनामी संपत्ति होती है ना, ऐसे ही जिस पर नाम ना हो लिखने वाले का, विदाउट नेम। सोडोनिम का मतलब क्या होता है, छद्मनाम, छद्मनाम का मतलब क्या हुआ, उपनाम या नकली नाम कह सकते हो, हाँ ऐसे कहा जाता है छद्मनाम, मतलब किसी से बचने के लिए जो नाम लोग और बदल लेते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जब ये किताब लिखते थे, शुरू शुरू में अंग्रेज़ों का ज़माना था, एक किताब लिखी थी इन्होंने सोचे वतन, वो उस पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया, इनके नाम पर प्रतिबंध लगा दिया, तब इनका नाम धनपत राय होता था, तो फिर इन्होंने नाम बदल लिया, धनपत राय नाम छोड़ दिया, मुंशी प्रेमचंद नाम रख लिया। तो मुंशी प्रेमचंद इनका क्या है, सूडोनीम है, इनका छद्म नाम है, ठीक है, बदला हुआ नाम है। एनोमली, एनोमली क्या चीज़ होती है भाई, एनोमली का मतलब होता है असंगति, असंगति का मतलब जब चीज़ें मेल नहीं खाती हैं उसको हम लोग कहते हैं असंगति, ठीक है, तालमेल ना बैठना। नेमसेक, नेमसेक का मतलब क्या होता है, नाम राशि, सब ज़्यादातर तो ये नाम से ही रिलेटेड वर्ड हैं। नाम राशि का मतलब क्या होता है, जैसे जो मेरा नाम है भाई आपका भी नाम है, जैसे मेरा नाम रवि है आपका भी नाम रवि होगा, तो हम दोनों लोग क्या हो गए, नाम राशि। तो सेम नेम वाले लोगों को कहा जाता है नेमसेक, नाम राशि, एक ही नाम जो कई लोगों का होता है या 2 लोगों का होता है। तो फिलहाल इसमें आपका आंसर कौन सा हुआ ये बताइए, तो आंसर इसमें जो होगा बियरिंग नो नेम का आंसर होगा एनोनिमस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है किसका, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का करना है।
अब देखो, आई रोड माई बाइक, हम बाइक से गए कहाँ, आगे लिखा है टू वर्क दोज मॉर्निंग, दोज मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग क्या है, सिंगुलर है, मॉर्निंग सिंगुलर है, तो दोज क्या होता है, ये प्लूरल के लिए लगता है, तो एक गलती यहाँ है, दोज का क्या करना होगा, दिस करना होगा। दूसरी बात, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो एक बार मैं आपको ये सारी चीज़ समझा चुका हूँ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कि सेकेंड फॉर्म लगेगी, कि थर्ड फॉर्म लगेगी, कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो टू के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कभी नहीं लगती, कभी कभी टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये हमारा जो वर्ब फॉर्म्स का वीडियो है उसको देख लीजिए, ये सारी झंझटें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ जो टू लगा है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये इसके पहले भी कई बार आ चुका है, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, मतलब इसी MTS वाले में ही ये 3-4 बार कर चुके हैं। अभी 7वां वीडियो है, इसी के पहले एक एक दिन में 2-2 बार ये रूल आया है, ठीक है। तो आपने वो देखा होगा तो आपको याद होगा ये, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और दोज का दिस होगा, तो वर्क और दिस होगा, तो लिखा है ये है वर्क और दिस होगा, ठीक है। यहाँ देखो वर्क लिखा तो लेकिन दीज लिखा हुआ है, यहाँ दिस लिखा है तो वर्क लिख दिया है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो पहला वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में देखो साइनोनिम बताना है किसका, इक्विवोकल का। इक्विवोकल का मतलब ये होता है ना कि आप बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, बात को आप गोल गोल घुमा रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, मतलब बात जो है ना वो ठीक से समझ नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं आप, ठीक। इक्विवोकल मतलब जब आप किसी बात को स्पष्ट नहीं कहते हैं, घुमा फिरा के कहते हैं, डबल मीनिंग में कहते हैं, ठीक है, अर्थ ना समझ में आए, क्लियर ना हो तब। अब डेफिनेट तो इसका अपोजिट हो जाएगा, डेफिनेट मतलब एकदम श्योर पक्का, सिक्योर का मतलब क्या हुआ, सुरक्षित हो जाएगा, तो ये दोनों ही नहीं लगेंगे। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या द्व्यर्थी, क्या होगा, अस्पष्ट या द्व्यर्थी, ठीक, ये हो गया द्व्यर्थी हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, एम्बिगुअस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनसिक्योर मतलब असुरक्षित, इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसका साइनोनिम हुआ एम्बिगुअस। चले आगे, अब लीजिए आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जी, अरे खुल जाओ भाई, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, पूछ रहे हैं सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, एक ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, कौन सी है। तो पहले देखो एवरीथिंग की स्पेलिंग तो ठीक है, हर्ट की भी ठीक है, इन अ डल की भी ठीक है, कंस्टेंट की भी ठीक है, वे भी ठीक है, तो आपका आंसर तो ये वाला पहला वाला हो गया, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। अब देखो दूसरे में देखो तो एवरीथिंग की ठीक है, हर्ट की गलत हो गई, HURRT नहीं होता है। दूसरे में आ जाओ, एवरीथिंग हर्ट इन अ डल, देखो डल में डबल एल होता है, DUL होता है, सिंगल एल नहीं होता। अब इसमें देखो एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कंस्टेंट वे, तो ये कंस्टेंट जो है देखो CONS होता है, कंस्टेंट की स्पेलिंग क्या होगी, CONS, यहाँ N के बाद S लिखा नहीं है, TANT होता है, तो इन्होंने T के बाद S लगा रखा है, देखो ये गलती हो गई, तो कंस्टेंट गलत है, ठीक है ना। अब हुआ ना पहला ही सही। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कह रहे हैं कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, देखना है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है, देखो यहाँ पर लगा ना ब्रैकेट, देखिए एक यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो ठीक कर दो, और नहीं गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, तब तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। लिखा है दिस प्रीऑक्यूपेशन विद हिम, ये जो उसके साथ हमारा प्रीऑक्यूपेशन था, वाज बिकमिंग एन ऑब्सेशन, ये एक तरह का ऑब्सेशन बनता जा रहा था, ठीक है। आगे लिखा है दैट ऑब्से, ये किसके लिए लगा है, ऑब्सेशन के लिए, एन लगा है तो दैट ठीक है एन। आगे लिखा है कि दैट वाज बिगनिंग, जो शुरू हो रहा था, टू इफेक्ट हर एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को इफेक्ट कर रहा था, टू टेक केयर ऑफ द हाउस, ठीक। तो यहाँ टू के साथ और कोई गलती नहीं, टू के साथ ये जो लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली नाउन है, ठीक है। अच्छा फिर वही बात, वर्ब फॉर्म वाले मैटर में ही ये भी बात हमने बताई है कि देखो EFFECT ये क्या होता है, ये होता है नाउन, और AFFECT ये क्या होती है, ये होती है वर्ब, अफेक्ट जो है ये वर्ब है, और इफेक्ट जो है वो नाउन है,
अच्छा, टू के बाद लगाते क्या हैं, अब ये भी देख लो। टू के बाद हम लगाते क्या हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फिलहाल ये इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, अफेक्ट होगा। ए डबल एफ ई सी टी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए ढूंढिए कहाँ पे अफेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा दैट वॉज बिगनिंग टू अफेक्ट, टू अफेक्ट, ये तो हमको सही मिल गया, ठीक है, ये एकदम दूसरा वाला सही है। अब इसमें लिखो विच वाज बिगिन, तो वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती है, वाज के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, ये गलत हो गया। अब इसमें देखो विच वाज बिगिनिंग तक तो ठीक है, लेकिन टू के बाद फिर वही इफेक्ट लगा दिया इन्होंने, तो फिर ये भी गलत हो गया, तो बाकी दो गलत ही हो गए ना। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, दूसरा वाला ही हो सकता है, किसी का कोई चांस ही नहीं है। अब आ जाओ सातवें वाले क्वेश्चन पे, फिर से वही खाली जगह भरो वाला क्वेश्चन मिल गया, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है कि ज्वाइन आवर नेटवर्क, ज्वाइन आवर नेटवर्क टू डैश बेटर गवर्नेंस, हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करो आप, टू डैश बेटर गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब समझ रहे हो, तो और बेटर करने के लिए, ठीक है ना। तो टू सीडेट बेटर या टू ड्रेन बेटर या टू प्रमोट बेटर या टू डिसइंटीग्रेट बेटर, डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट मतलब एकजुट करना, ठीक है ना, और डिसइंटीग्रेट मतलब अखंडित, मतलब उसको खंडित कर देना, अलग अलग कर देना, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ये होगा नहीं। टू ड्रेन बेटर गवर्नमेंट को ड्रेन नहीं किया जाता और ना ही सीडेट किया जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट को क्या करोगे, प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। ज्वाइन आवर नेटवर्क्स टू प्रमोट बेटर गवर्नेंस, आप बेटर गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, ठीक है, अब अच्छी चीज़, अब कह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क ज्वाइन करो, तो क्यों ज्वाइन करो, कुछ अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करना मतलब बेटर गवर्नेंस को प्रमोट करना है, क्लियर। चले आगे, अब आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है। तो क्वेश्चन नंबर एट में क्या है जी, देखो इन्होंने कहा कि अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड लगाओ, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि पर्संस हु अनफेयरली ब्लेम्ड, मतलब ऐसे लोग जो गलत ढंग से जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, या किसके लिए, फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, गलती की किसी और ने और भुगते कोई और, सीधा सीधा पद आ जाते हैं मुद्दे पर, एकदम सिद्धेसी भाषा में, गलती करे कोई और भुगते कोई और, यही तो है। पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, किसी और ने कुछ किया है और उसका आरोप किसी और पर लग रहा है, इसको देसी भाषा में सीधे सीधे हिंदी मुहावरे में कहते हैं बलि का बकरा, मतलब छेड़खानी करे कोई और पीटा जाए कोई, ठीक है ना, तो उसको क्या कहोगे, बलि का बकरा, जिसने गलती की वो वहाँ से चल बसा, अब जो वहाँ रुक गया था उसी को लोग पकड़ के पीट दिए, तो उसको कहते हैं बलि का बकरा। बलि के बकरे के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है स्कैप गोट, क्या होता है स्कैप गोट, मतलब होता है बलि का बकरा। बाकी वर्ड्स को समझा देता हूँ, ठीक है, आपका आंसर तो मिल गया, यही आंसर था। डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसडेन मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। एपिटम का मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है, किसी चीज़ का कोई प्रतीक बन जाता है तो एपिटम कहते हैं। और एक्सपेडिशन क्या होता है, अभियान होता है, जैसे आप कहीं पता लगा नॉर्थ पोल पे घूमने गए, तो ये हो गया एक अभियान, एक एक्सपेडिशन पर गए हैं, ठीक है। और स्केप गोट होता है बलि का बकरा, आपका ये आंसर था। आगे बढ़ो अपने क्वेश्चन नंबर नाइन में, तो नाइन में देखो क्या कह रहे हैं, एरर वाला क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ क्या लिखा, द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन, द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, जब सबसे पुराने टाइप की सेल, जिन लोगों ने आप लोगों में बायो पढ़ा होगा उनको पता है यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोट बहुत मतलब पुराने टाइप की सबसे पहले वाली है, ठीक है, अविकसित सेल होती है वो प्रोकैरियोट। द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोट एवोल्यूशन हैव बीन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाना बहुत कठिन रहा है, बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है इसकी वजह से। तो वर्ब पे आ जाओ जरा, देखो तो हैव बीन किसके लिए लगा हुआ है, ठीक है ना, देखो यहाँ लगा हैव बीन डिफिकल्ट, और यहाँ जो ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, सब्जेक्ट पार्ट में दो ये नाउन है, टाइम स्केल है और प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन है, लगा कैसे, ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो जब आपका सब्जेक्ट पार्ट ऑफ से जुड़ा हुआ दो नाउन होता है तो वर्ब किसको देख के लगती है, प्रीपोजिशन के पहले वाले को। तो द टाइम स्केल ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, टाइम स्केल कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
टाइम स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए था। तो एरर कहाँ हो गई आपकी, ये दूसरे वाले में, हैव बीन वाले में गलती हो गई। तो आपका आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में क्या कह रहे हैं, अपोजिट मीनिंग बताना है भैया। तो अपोजिट मीनिंग किसका बताना है, डिसरिगार्ड का बताना है। ठीक, डिसरिगार्ड। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिगार्ड मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, रिगार्ड रेस्पेक्ट होगा, इंटरेस्ट होगा, हम उसमें कोई टेस्ट रखते हैं, कोई रुचि रखते हैं, तो ये होता है रिगार्ड। ठीक है, जैसे कहते हैं विदरिगार्ड, विदरिगार्ड मतलब आपके संदर्भ में, मतलब हम उस पर केयर किए हैं, इंटरेस्ट होगा, हमारी उसमें केयर होगी। और डिसरिगार्ड मतलब क्या हुआ, उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, अनइंटरेस्ट और मतलब केयरलेसनेस एक तरह की हो जाती है। अच्छा, क्यूरियसिटी मतलब होता है उस चीज़ में बड़ी उत्सुकता। अच्छा, उत्सुकता जैसे ही होगी तो वैसे ही इंटरेस्ट होगा। तो अपोजिट तो हमको डिसरिगार्ड का अपोजिट क्यूरियसिटी में मिल रहा है। डिमोट देखो, डिमोट जो है ना प्रमोट का अपोजिट है। प्रमोट करना होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, प्रमोट करना उसको ऊपर की ओर बढ़ाना, एनकरेज करना। और डिमोट मतलब डिस्करेज करना। तो इसका डिसरिगार्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो दोनों सिमिलर हैं। डिसरिगार्ड का मतलब हम उसकी कोई परवाह ही नहीं करते, और जब परवाह नहीं करेंगे तो वो चीज़ डिमोट होगी ना, प्रमोट तो होगी नहीं। ठीक, तो कोई संबंध है भी अगर तो वो सिनोनिम का संबंध है, एंटोनिम तो हो नहीं सकता। स्प्लिट का मतलब बिखरा हुआ और हिडन का मतलब छुपा हुआ, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। क्यूरियसिटी हो जाएगा इंटरेस्ट, डिसरिगार्ड का मतलब हमसे कोई मतलब नहीं, क्यूरियसिटी मतलब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक तरफ है कहीं मतलब नहीं, एक तरफ हो जाएगा इंटरेस्ट, तो अपोजिट यही हो गया। चलो आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में फिर से फिलर का क्वेश्चन है। तो आई डैश द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। तो देखो, एक रूल है, जब मैं टेंस का की कंपैटिबिलिटी पढ़ाया था, वर्ब वाले टॉपिक में होगा, टेंस पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। अलग से है आफ्टर बिफोर के साथ कौन सा टेंस लगता है। तो बिफोर के बाद, देखो बिफोर के बाद हमेशा इनडेफिनिट टेंस लगता है, और बिफोर के पहले क्या लगता है, परफेक्ट टेंस लगता है। अब इसमें एक दो कम्बिनेशन और भी हैं, कभी कभी दोनों इनडेफिनिट ही लग जाते हैं, वो किन कंडीशंस में लगते हैं उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, वीडियो देखना होगा। तो बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस लगता है, बिफोर के बाद इनडेफिनिट लगता है। तो ये लगा है बिफोर, और बिफोर के बाद मदर अराइव्ड पास्ट इनडेफिनिट है। इसका मतलब बिफोर के पहले क्या चाहिए आपको, पास्ट परफेक्ट चाहिए। पास्ट परफेक्ट ढूंढ लो क्या होगा, हैड बेक्ड होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो देखो, जो रूल यहाँ आएंगे वो तो हम समझा देंगे, बाकी वाले आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड बेक्ड लगाओ, बाकी सारे हटा दो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में अपने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर, क्या करना है इसमें। देखो, इसमें भी जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसको रिप्लेस करना हो तो कर दो, और अगर सही है तो रहने दो उसको। ठीक है, तो पढ़ो। लिखा है द सी रैन 12 किलोमीटर्स, वो दौड़ी, कितना दौड़ी, 12 किलोमीटर दौड़ी, एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मतलब एक बार में, मतलब एक बार दौड़ना शुरू किया तो 12 किलोमीटर तक दौड़ी। और आगे लिखा इन्होंने कि विच आर अ ग्रेटर डिस्टेंस, जो कि एक काफ़ी लंबी दूरी है। तो 12 किलोमीटर आ डे, देखो यहाँ क्या लिखा, आ ग्रेटर डिस्टेंस, अग्रेटर मतलब पूरे को एक डिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं। और नाउन में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए थे तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब एक अमाउंट के रूप में दूरी को या किसी चीज़ को एक अमाउंट के रूप में लिया जाता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो 12 किलोमीटर की दूरी जो उसने एक बार में दौड़ी थी वो आर नहीं होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, इज, एक ही दूरी तो है ना वो, तो इसके लिए विच के बाद आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, विच इज। और ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर गलत हो जाएगा, अ ग्रेट या एक अ लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे कहो वहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर आर का आर रखा इन्होंने, आर तो होगा ही नहीं भाई, होना क्या चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, अब इज होना चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, तो व्हाट लगा नहीं सकते हो इसमें। ठीक है ना, व्हाट इज अ, व्हाट इज ग्रेट डिस्टेंस नहीं, व्हाट के बाद एंटीसीडेंट नहीं होता, जबकि यहाँ लिखा है जो 12 किलोमीटर दौड़ी थी वो है, तो यहाँ तो व्हाट गलत हो जाएगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है विच इज, तो विच इज आप लगा लो, विच इज देखो रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब सही हो जाएगी विच इज में,
और लिखा है क्वाइट सम डिस्टेंस। हाँ, तो आप डिस्टेंस के पहले सम लगा सकते हो, सम डिस्टेंस, और नाउन है चूंकि ना डिस्टेंस, तो इसको क्वांटिटी के रूप में लगा सकते हो, गिनती में तो है भी नहीं दूरी, और क्वाइट उसके पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के रूप में लगा सकते हो, तो ये वाला एकदम से करेक्ट हो गया। ठीक, अब आओ अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या कह रहे हैं, 13 में पूछ रहे हैं ग्रामेटिकल एरर बताओ। तो ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस देखो, द लास्ट टाइम ही रिपीटेड, पिछली बार जब उसने रिपीट की द सेम मिस्टेक, मतलब वही गलती जो पहले से करता आ रहा है, वही गलती उसने पिछली बार फिर रिपीट की, तो लास्ट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तो ये भी सही, ये भी सही, और सेम मिस्टेक मतलब वही गलती। आई थॉट, तो मैंने सोचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी सही है, कि ही वुड फील, वुड देखो विल का वुड लगा दिया, ये भी सही है। मेनी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी क्या होता है कि मतलब आप कष्ट, आप दुखी महसूस करोगे अपनी उस गलती पर, तो मेनी जो होता है ये नंबर के लिए यूज किया जाता है, और सॉरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग नंबर नहीं यूज कर सकते, क्या करते हैं, क्वांटिटी यूज करते हैं, तो सॉरी के पहले मेनी नहीं लगेगा, क्या लगाओगे, मच सॉरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी काउंटेबल नहीं है, तो इसके लिए क्वांटिटी में लगाओगे आप, मच लगाओगे, मेनी नहीं लगाओगे। तो अब आप बताओ कि इसमें गलती कहाँ है, ये तीसरे वाले में लिखा हुआ मेनी सॉरी, तो मेनी नहीं होना चाहिए, आपका थर्ड वाला पार्ट गलत माना जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। आपके क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड, ध्यान रखिएगा करेक्टली पूछा, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली, इसमें से किसकी स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है ये हमको बता दो आप। तो इफ़ीमे मतलब लिखा है ना इपीफेन, इपीफेन की ये वाली स्पेलिंग गलत है, इपीफेन ये नहीं होता, इपीफेनी ये होता, ई पी आई पी एच ए एन वाई, ठीक है, इपीफेनी होता, ई पी आई पी एच ए एन वाई। तो इपीफेनी की मीनिंग अब नीचे वाली तो अब काट ही दो आराम से, वही एक ही वर्ड लिखा हुआ है, इपीफेनी, देखो एक होता है इपीफेनी का मतलब एहसास, अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में जाते हैं तो एहसास, और अगर बाइबल में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, तो इसमें लॉर्ड क्राइस्ट के जन्म को जो सेलिब्रेट करते हैं उसको भी एपिफेनी कहते हैं। ठीक है, तो यही वाला है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में क्या है भैया, देखो फिर एक ब्रैकेटेड पार्ट दिया हुआ, कह रहे हैं इसका क्या करना है, इसका अप्रोप्रिएट एंटोनीम बताना है आपको ना। तो एंटोनीम देखो, एंटोनीम अब इसका बताने के लिए आपको सेंटेंस तो पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं किस सेंस में यूज किया गया हो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैक्टफुल देख करके एंटोनिम लगाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए क्या करोगे, सो इट वुड अपीयर दैट, तो ये ऐसा लगता, ऐसा लगा जैसे कि फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब आज के बाद आई एम गोइंग टू हैव टू बी मोर टैक्टफुल, कि मतलब मैं होने जा रहा हूँ और ज़्यादा टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक इन माई मीनरिंग्स। तो मीनरिंग्स मतलब जो हम यहाँ घुमा करते हैं, कहीं आया जाया करते हैं, इसमें हम ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक और टैक्टफुल, अच्छा डिप्लोमेटिक के साथ टैक्टफुल ठीक लगता है। टैक्टफुल कौन होता है, जो बहुत ही चतुर टाइप का होता है, जिसको नीतियाँ में, नीतियाँ बनाने में बड़ा निपुण होता है। डिप्लोमेटिक वही होता है विदेशी संबंधों में, जो बहुत चालाक बहुत होशियार हो सकता है हमारे एम जयशंकर जी की तरह से, तो वो डिप्लोमेटिक कहे जाते हैं। तो टैक्टफुल वही होता है विदेशी पॉलिसीज या हम जो विदेश से संबंधित हमारी नीतियाँ होती हैं उसमें हम बहुत चतुर बहुत कुशल बहुत चालाक हैं, दूर बहुत दूरदर्शी हैं, बात की बातें सोच समझ के करते हैं, तो वो होता है टैक्टफुल। ठीक है, तो बहुत होशियार के लिए लगेगा। इसका आपको क्या बनाना है, एंटोनीम बताना है। ठीक है, तो एक हो गया अनग्रेशियस। अनग्रेशियस का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही दया से भरा हुआ, बहुत ही एहसान एहसान वाला। अनग्रेशियस का मतलब क्या हो जाता है, अनग्रेशियस का मतलब हो जाएगा नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, एक तो जो एहसान को नहीं मानता वो हो जाएगा अनग्रेशियस में। ठीक है, अब साइकोफेंटिक, साइकोफेंटिक मतलब होता है फ्लैटरिंग टाइप का, चापलू। साइकोफेंटिक और फॉनिंग, ये भी दोनों होगा। फॉनिंग क्या होता है, जब आप अपने मालिक के आगे दुम हिलाते हैं तो उसको फॉन कहते हैं, फॉनिंग। अब साइकोफेंट भी वही होता है कि आप किसी के सामने अपनी दुम हिला रहे हैं, उसके तलवे चाट रहे हैं, साइकोफेंटिक हो जाता है। तो फिलहाल टैक्टफुल के अपोजिट में ये दोनों तो लगेंगे नहीं। अब ग्रोवेलिंग क्या होता है, तो ग्रोवेलिंग होता है ना पेट के बल लेटना, क्या होता है, जब आप पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं उसको ग्रोवेल कहते हैं। ठीक,
अब इन तीन के तीनों वर्ड दूर दूर तक लग नहीं रहे हैं कहीं से, एक वर्ड बच रहा है, हालांकि बहुत सटीक नहीं आ रहा है। अनग्रेसियस जो है वो बहुत सटीक जा नहीं रहा है किससे, टैक्टफुल से, कहाँ टैक्टफुल है, अब जानते हो बहुत सटीक नहीं जा रहा है, लेकिन ये तीनों फिलहाल बिल्कुल मतलब दूर दूर तक रिलेटेड ही नहीं है। तो अनग्रेसियस को आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिक्शनरी वाला काम तो चलेगा नहीं। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो ये आया है सेंस में किसके, मतलब डिप्लोमेटिक के साथ में आया है तो बहुत ही होशियार के लिए आया है, और अनग्रेसियस ये निगेटिव, मतलब ये निगेटिव सेंस में जा, हालांकि ये भी निगेटिव सेंस में जा रहा है लेकिन करेक्टर के लिए लगा हुआ है, और ये किसके लिए लगा है, बुद्धि के लिए लगा हुआ है। तो फिलहाल ये आपका एंटोनीम, इसका सुटेबल एंटोनीम होगा। चलो आगे चलते हैं आपके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका किस में आएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो फिर खाली जगह भरने के लिए आ गया। इवेंचुअली कह रहे हैं कि द वाटर विल डैश थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट, ठीक है, जो पानी है सराउंडिंग कंक्रीट मतलब जो अगल बगल में कंक्रीट है, कंक्रीट तो आप समझ ही रहे हो, उससे डैश करेगा, तो पानी है ना, पानी तो पानी मतलब क्या होगा, रिस रहा होगा, कंक्रीट में से पानी रिस रहा होगा या टपक रहा होगा, तो ठीक है। अब पिछली बार भी ऐसा ही एक आया था तो वहाँ पे थ्रू लगने के लिए आया था, प्रीपोजिशन पूछा था, अब की बार वर्ब लगाने के लिए पूछ लिया, ठीक है। चलो तो पानी रिसना मतलब जैसे एक चीज़ समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कोई चीज़ हो मतलब छत हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ ऊपर पानी हो और पानी धीरे धीरे से रिस के नीचे आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ना परमिएट करना, ठीक है, क्या कहते हैं, परमिएट करना। अब स्टेटोलिथ क्या होता, आंसर तो आपका ये हो गया, रिस रिस के पानी आता है तो परमिएट कहते हैं। स्टेटोलिथ क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में एक मटेरियल पाया जाता है स्टेटोलिथ, जो हमको ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का एहसास कराता है, वो हमारी कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटोलिथ होगा। और एरेट मतलब, एरेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को खुली हवा में खुला छोड़ देना ताकि उसमें हवा प्रवेश कर सके, हवा पानी ले सके, इसलिए उस वस्तु को खुली हवा में रखना वो हवा ले सके। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, कभी कभी देखो जब प्रधानमंत्री या और लोग जो मंत्री मंत्री हैं विदेश जाते हैं तो उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल, जो व्यापार वगैरह पे बात करने के लिए 4-6 लोगों का एक मतलब पूरा शिष्टमंडल जाता है, उसी को डेलीगेट कहा जाता है, प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल कह सकते हो। तो ये तीनों तो फिलहाल होंगे नहीं, इसमें क्या होगा, पानी के कहीं पास होने के लिए हम परमिएट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये 17 रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या है, इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है आपको। तो इडियम क्या है, टू मीट वंस आइज, टू मीट वंस आइज मतलब किसी की आँखों से मुलाकात करना, तो किसी की आँखों से मुलाकात करने का मतलब हुआ आँखों में आँखें डालकर देख रहे हो, क्या होगा, आँखों में आँखें डालकर देखा, जैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों की आँखों में आँखें डालकर, तो वही होगा। तो कन्फेस समथिंग गलती मानना बिल्कुल नहीं होगा, मेक हेस्ट जल्दी करना भी नहीं होगा, मीट समवन रेगुलरली ये भी नहीं होगा, टू लुक एट समवन डायरेक्टली, हाँ किसी को सीधे डायरेक्टली देखा, व्हेन दे आर लुकिंग एट यू, जब वो तुम्हें देख रहे हैं तो तुम उसको देखो, आंखों में आंखें डाल कर देखो, ये हो गया चौथा वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपका 18 नंबर है, 18 में क्या करना है, देखो यहाँ ब्रैकेटेड पार्ट है। अब ये ब्रैकेटेड पार्ट है क्या एक्चुअली, देखो कई तरह का होता है ना, कभी ब्रैकेटेड पार्ट में idiom होता है, कभी synonym antonym पूछता है, कभी इम्प्रूव करने को पूछता है, तो ब्रैकेट हमको दिख गया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ लिखा है ब्रैकेटेड idiom, बस यही idiom दिख गया हमको, ब्रैकेटेड idiom, तो हम समझ गए कि इस idiom का मतलब बताना है। तो idiom क्या है, वन swallow does not make a summer, ठीक, मतलब तो यहाँ भी निकल आ रहा है, वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लिखे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। द फर्स्ट सैंपल ऑफ ओर फ्रॉम द ट्रायल बोरिंग, तो ट्रायल जो बोरिंग हो रही थी, बोरिंग जानते हो जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, तो ट्रायल बोरिंग, जो ट्रायल बोरिंग का ओर निकला था उसमें से, ओर मतलब आयास, उसका जो सैंपल था इज वेरी प्रोमिसिंग, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत होपफुल है, एक्सपेक्टिंग है। बट वी शुड रिमेंबर दैट, पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर, एक स्वालो, स्वेलो एक चिड़िया होती है गौरैया की तरह, जैसे हम लोगों के यहाँ होती है वैसे, तो वो बसंत के महीने में बोला करती है। तो वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर,
एक चिड़िया समर नहीं बनाती, मतलब कि एक चीज़ कोई अच्छी हो गई तो इसका मतलब आगे आने वाली सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी मीनिंग में देखो, द होल ऑफ एवरीथिंग बिल्कुल नहीं होगा, द सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट वॉट फॉलोज विल आल्सो बी गुड। एक फॉर्चुनेट इवेंट मतलब एक कोई अच्छी घटना घट गई तो इसका मतलब डज नॉट मीन, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो कुछ भी आगे होने वाला है सब अच्छा अच्छा ही होगा। हाँ तो यही तो है, वंस फॉलो डज नॉट मेक अ समर, तो यही वाला हो गया। अगर एक घटना अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया आपका। अब आ जाओ 19 नंबर पे भाई, तो 19 नंबर में क्या है, मीन्स द सेम, बस यही देख लो, मीन्स द सेम, और नीचे दिया है एक वर्ड दिया है गेज। तो गेज क्या होता है बताओ, एक फिजिक्स में पढ़ा होगा स्क्रू गेज होता है, मीटर गेज होता है, शॉर्ट गेज होता है, तो गेज क्या होता है, गेज मापने की इकाई होती है। किसके लिए यूज किया जाता है, ये मापन के लिए, ठीक है ना, मोटाई वोटाई नापने के लिए स्क्रू गेज का यूज करते हैं, तो मापन से रिलेटेड है ये। तो सेम मीनिंग में क्या होता है, मेजर करना, किसी चीज़ को नापना, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, वॉल्व होता है, और ये क्या लिखा है, डायग्नोस करना, ये सब तो आपको पता ही है। डायग्नोस क्या होता है, बीमारी वगैरह का पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में। आगे आ जाओ अपने 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे क्या है जी, एरर बतानी है। देखो लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज, हमारी जो स्टडीज हैं इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं रिसीव्ड, सॉरी रिव्यूड, गलत हो गया, रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, ये प्रोफाइल्स लिखा है यहाँ, दीज लिखा है तो दीज के लिए प्रोफाइल्स लिखा है, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग ये भी ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स ये प्लूरल नाउन है, इन आवर स्टडीज रिव्यूड ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो कोई एरर मिल नहीं रही भाई मुझे तो इसमें कोई एरर मिल नहीं रही है और नो एरर है ये, ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा इसका। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 से लेकर के 25 तक भैया होता क्या है, पहले से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो रोज़ रोज़ तो यही किया जाता है, मुझे लगता है कि करीब 150-200 हो चुके होंगे और ज़्यादा हो चुके होंगे सेट। अब जोड़ देते हैं एक बार, देख लो 48 पुराना वाला MTS का है, 48 के बाद 40 है हमारा CGL का, प्लस 36 है हमारा CHSL का, तो हाँ 150 के तो करीब जा ही रहा है, प्लस ये भी 6-7 ये वाला हो गया, इतने हो गए करीब, तो इतने सेट लगा चुके हैं और सब में ये चीज़ आई है। तो मैं इतनी बार ये बात बोल चुका होऊंगा कि एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी, उनकी जगह पर सूटेबल वर्ड क्या लगेगा, इसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको 4-4। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, लिखा है द सीजेम स्ट्रीट, सीजेम स्ट्रीट ये लिखा हुआ, सीजेम स्ट्रीट स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट मतलब आप जैसे कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ में ही कोई एक चीज़ उसी के कारण एक और चीज़ पैदा हो जाती है, तो बाई प्रोडक्ट होता है। द सीजेम स्ट्रीट स्पिन ऑफ डैश टू बी द फर्स्ट रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल TV डैश, अब TV है तो TV प्रोग्राम होगा और क्या, यहाँ तो यही लग रहा है, देखो अब आगे पढ़, यहाँ तो TV पे है तो कोई TV प्रोग्राम होगा, एक सीधे लिख दिया कि फर्स्ट रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल TV प्रोग्राम। आगे लिखा AMD, जिसका उद्देश्य था स्पेसिफिकली एट प्री स्कूलर्स, उसके एम में कौन थे, प्री स्कूलर्स थे। प्री स्कूलर्स का मतलब क्या हुआ, जो लोग स्कूल जैसे होता है ना प्राइमरी में स्कूल जाते हैं 5 साल की उम्र, उसके पहले नर्सरी के जी वाले होंगे। द प्रोजेक्ट डैश सपोर्ट फ्रॉम बोथ, तो इस प्रोजेक्ट को समर्थन मिला अमेरिका और रशियन गवर्नमेंट ऑफिसर से, मतलब दोनों जगह से सपोर्ट मिला। तो 3 नंबर पे क्या लगाओगे, सपोर्ट मिला, मिलने के लिए गॉट है, रिसीव्ड है, फाउंड है, ऐसा कुछ लगेगा। अब कि इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो किसी ने कुछ बोला होगा, तो ये लिखा एलिना लेंस्काया, तो एलिना लेंस्काया जो कौन है, डायरेक्टर इन रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग 1992, ये हैं। इन्होंने कब बोली थी ये बात, US कांग्रेशनल हियरिंग ऑन द प्लांट एडाप्टेशन, तो प्लांट एडाप्टेशन पर एक अमेरिका की कांग्रेशनल हियरिंग चल रही थी, उसी में इन्होंने एलेना लेंस्काया ने एक बात बोली थी, और ये हैं कौन, ये हैं डायरेक्टर इन रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किस समय थी ये 1992 की बात है, उन्होंने ये बात बोली थी जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है,
क्या कहा था उन्होंने कि इफ़ वी डू नॉट रिफॉर्म आवर डैश, अगर हम अपनी डैश चीज़ को रिफॉर्म नहीं करते, उसको सुधारते नहीं हैं, तो वी कैन हार्डली होप दैट, तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वी विल रिफॉर्म आवर सोसाइटी, कि हम अपने समाज को सुधार रहे होंगे। तो किस चीज़ को नहीं सुधारेंगे, तो हमें समाज सुधारने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर हैं, और कई बार देखो यहाँ लैंग्वेज एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम है टीवी पर, यहाँ भी एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के, और ये जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन्होंने यही कहा होगा कि अगर हम अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को नहीं सुधारते, तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम अपने समाज को सुधार रहे हैं। ऐसी बात एलेना लिंस्काया ने कही थी, ये कही थी तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे कही थी के लिए क्या लगाओगे, टोल नहीं लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ तो सेड लगाओगे, तो यहाँ सेड लग जाएगा, करीब करीब फिक्स ही है कि हमें कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं, एक तरफ से भरना शुरू करते हैं इसको, आ जाओ। पहला लिखा हुआ है कि द सेसेम स्ट्रीट एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो रसिया में टीवी पर चल रहा था, स्पिन ऑफ, ये बाई प्रोडक्ट था किसका, डैश टू बी द फर्स्ट, सर डैश टू बी द फर्स्ट मतलब क्या हो, ये साबित हुआ पहला लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम, तो इसके लिए क्या होगा, अरेंज इंतजाम करने, सेट आउट होगा, पहला वाला क्या होगा, सेट आउट, सेट इन और सेट असाइड और सेट ऑफ यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। सेट असाइड का मतलब होता है निकाल के अलग से रख लेना, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 सैलरी है, आप हर महीना 5,000 निकाल के अलग से रख लेते हैं, बाद में कभी काम आएगा मुसीबत के समय, तो उसको होता है सेट असाइड करना। सेट ऑफ करना नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, सेट इन नहीं होगा। सेट आउट मतलब होता क्या होगा, किसी चीज़ को अरेंज करना या डिस्प्ले करना, किसी चीज़ का इंतजाम करना, या इसको आप डिस्प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पे सेट आउट सुटेबल लगेगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे भाई, तो ये आपका रहा नेक्स्ट फिलर नंबर टू। फिलर नंबर टू में आपको यहाँ क्या लगाना है, कहे थे यार कि ये पहला रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी, टीवी के बाद क्या लगाओगे, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम लगाओगे, एजुकेशनल टीवी सॉल्यूशन, एजुकेशन टीवी पैटर्न, एजुकेशनल टीवी रेसिपी नहीं है, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम है, तो पहला वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट में थ्री नंबर के फिलर पे यहाँ आ जाओ, तो कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को, दिस प्रोजेक्ट को, देखो प्रोजेक्ट यहाँ लिख दिया ना द प्रोजेक्ट, अब वहाँ ऑप्शन में हमको प्रोजेक्ट मिला नहीं था, तो प्रोजेक्ट को प्रोग्राम लगाना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट डैश सपोर्ट फ्रॉम बोथ अमेरिका एंड रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसको रशिया और अमेरिका दोनों जगह के सरकारी अधिकारियों से क्या मिला, समर्थन, तो मिला के लिए लगाओगे, मिला में रिसीव प्रेजेंट हो जाएगा, जबकि कहानी पास्ट में जा रही है, 1992 की है, तो ये रिसीव्ड लगाना पड़ेगा हमको पास्ट में। डिड रिसीव, देखो डिड के साथ और की सेकेंड फॉर्म लगती नहीं, और रिसीविंग आईएनजी फॉर्म ऐसे लगेगा नहीं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, अच्छा हो भी नहीं सकता, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस होना चाहिए, रिसीव्ड लगाओ। अब ये चौथे नंबर पे आ जाओ, अगर हम अपनी डैश चीज़ को नहीं सुधारते, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा समाज इम्प्रूव करेगा, तो वहाँ शिक्षा सुधारने की बात आ रही है, क्योंकि इस पैसेज में शिक्षा सुधार की ही बात हुई है। देख लेंगे आगे, अगर ये मिलता है वर्ड तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ और इंतजाम करेंगे। नंबर फोर पे आ जाओ, देखो ठीक क्या लिखा है, तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम अपनी डैश चीज़ को नहीं सुधारते, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डैश चीज़ में सुधार ला रहे हैं, तो यहाँ सोसाइटी में, तो अब देखो सोसाइटी में सुधार ला के सोसाइटी में सुधार लाएंगे तो सोसाइटी तो होगा नहीं, इकोनॉमी और एजुकेशन और पॉलिटिक्स बचा, तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की यहाँ पैसेज में कोई चर्चा नहीं चल रही है। इस पैसेज में जो चर्चा चल रही है किसकी चल रही है, एजुकेशन की चल रही है, तो एजुकेशन सुधार की बात आएगी, चौथे नंबर पे एजुकेशन होगा, ठीक है। आगे आ जाओ अपने लास्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 25, तो फिलर नंबर 5 में यहाँ आपको क्या लगाना होगा, तो ये बात एलेना लिंस्काया ने बोली थी, तो म्यूटेड तो होगा नहीं बोलने के लिए, टोल्ड लगेगा, देखो डायरेक्ट में नहीं लग पाता टोल्ड, ये इनडायरेक्ट में लगता है, ठीक है। ऑर्डर उन्होंने ये दिया नहीं था तो सेड, ये क्या लगेगा, सेड लगता है, ठीक। तो हमने ये 25 क्वेश्चन कर लिए, कौन सा सेट था, ये सेट नंबर था 7 भैया, ठीक है, तो सेट नंबर 7 के 25 क्वेश्चन कर चुके, तो 175 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो कर ही चुके होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि वीडियो को देखा 100 के ऊपर लोगों ने और लाइक आती है 15-20, तो इसका मतलब जितने लोगों ने देखा है सबने लाइक नहीं किया है। ठीक है, तो कर दिया करिए भैया, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, बस खाली एक अंगूठा चलाने की देर है बस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू नहीं करते हैं, ये वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। कल मिलेंगे इसी तरह से एक और सेशन में, और वो सेशन होगा हमारा सेट नंबर 8 का। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।